सो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी सैनिक भाई अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आपको जान के हैरानी होगी कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, सब लोग आपको पेंशन के बारे में बता दिए, लेकिन एक रेजिडुअल पेंशन के बारे में अभी कोई भी आपको नहीं बताया, क्योंकि OROP 3 का जो टेबल जारी हो चुका है उसमें इसका भी जिक्र है। और उसका जो नई पेंशन में बढ़ोतरी जो निकल के आई है, जो आपका PPO चार्ट जो वायरल हो रहा है, उसमें ये जानकारी भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो रेजिडुअल पेंशन के बारे में हम लोग जानेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो सर्विस पेंशन है इसको तो सब कोई भी जानता है, लेकिन जो रेजिडुअल पेंशन है, रेजिडुअल, तो इसके बारे में कोई नहीं आपको बताया है। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को प्लीज पूरा देखें। तो चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे कोरंडम डिटेल्स आपको दिया गया है, और यहाँ पे देखिए जो ओल्ड वैल्यू था पेंशन का, जो सर्विस पेंशन आपको मिलता था, यहाँ पे वो दिया है। और फिर जो नई वैल्यू बन के आई है उसका यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो ओल्ड वैल्यू है 21,325, तो उसी का जो आधा हिस्सा निकल के आया वही होता है रेजिडुअल सर्विस पेंशन। लेकिन ये आया कैसे है ये मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी नई वैल्यू जो है 22,476, तो उसका जब आधा करेंगे तो इतना वैल्यू आसपास निकल के आएगा। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पेंशन क्या होता है। तो नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, जो पेंशन है, पेंशन से रिलेटेड पे आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो आपको पेंशन मिलता है वो आपका लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट का आधा होता है। तो लॉस्ट एम्प्लॉयमेंट का आधा जो दिया है उसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, उसमें ये देखिए क्या क्या लिखा है। बेसिक सैलरी प्लस आपका रहेगा, MSP रहेगा, CL रहेगा, क्लास पे, और एक होता है ग्रुप पे। ग्रुप पे मतलब आपका जो X ग्रुप, Y ग्रुप जो भी है उसका बटे दो। तो जब ये सब इतना कर लेंगे तो आपका जो पेंशन है निकल के आ जाएगा। और जो बेसिक पेंशन, तो आप लोग जानते हैं बेसिक क्या होता है। बेसिक का आधा बेसिक जो सैलरी रहेगा प्लस DR आपको मिल जाएगा, तो वो आपका पेंशन के रूप में निकल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे खेल ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे जैसे आएंगे आप पेंशन में, तो पेंशन में एक होता है कम्यूटेशन रिकवरी और दूसरे में आता है रेजिडुअल पेंशन। तो कम्यूटेशन रिकवरी तो हर कोई कराता है, वो आपकी इच्छा है, वो कराए या ना कराए। और एक होता है रेजिडुअल पेंशन। तो रेजिडुअल पेंशन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम लोग 22,750 रुपये पेंशन पा रहे हैं, तो यहाँ पे 50% हम लोग कम्यूटेशन रिकवरी करवाते हैं, जिसका आधा पैसा यहाँ पे जाता है। और फिर 50% जो पैसा बचता है वो होता है आपका रेजिडुअल पेंशन। तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि रेजिडुअल पेंशन क्या होता है। तो आपको सिंपल भाषा में मैं समझा दूँ कि जैसे आपकी जॉब लगी, तो कोई पूछता है आपकी आपकी सैलरी कितनी है, तो आप ये बताते हो यार मेरी सैलरी तो 30,000 है, लेकिन काट पीट कर 25,000-26,000 मिलते हैं। तो जो काट पीट के जो पैसा मिलता है वही होता है आपका, तो वही जो बचा कुचा जो पैसा होता है वही होता है रेजिडुअल पेंशन। तो दोस्तों, ऐसे ही हम लोग रेजिडुअल पेंशन का गणना करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।